तारीख पढ़ो, मशरिक की तारीख पढ़ो, और साथ ही बड़ी तवज्जो के साथ हमारे मुल्क भारत और हिंदुस्तान की तारीख को पढ़ो। और मुझे हजरत वाला इजाजत दे तो मैं डंडे की चोट में कहूंगा, आप कुरान किसी से भी पढ़ो, आप हदीस कहीं भी पढ़ो, आप मगरिब और मशरिक, शिमाल और जुनूब की तारीख, अमेरिका की तारीख, ऑस्ट्रेलिया की तारीख और चाइना की तारीख आप किसी से भी पढ़ो, लेकिन हिंदुस्तान की सच्ची तारीख अगर पढ़ना है तो उलमाए किराम का दामन थामो, क्योंकि सबसे पहली बात यह है उलमा झूठ नहीं बोलते और झूठ से उलमा का ताल्लुक नहीं। और तारीख भी अगर हमारे पास मौजूद है, बड़ी गहरी तारीख है, तारीख भी हमारे पास मौजूद है, बड़ी सच्ची तारीख है, अगर किसी को डाउट आए तो हम अपने उन माओं के पेट में हाथ रखकर तारीख को बयान करेंगे जिनके पेट से हम पैदा हुए, हमारी बीवियों के सर पे हाथ रखकर हम तारीख बयान करेंगे जिनसे हमारे मोहब्बतों के नतीजे निकलते हैं, हम हमारे बच्चों के सरों पे हाथ रखकर तारीख बयान करेंगे जो हमारी नस्ल और फसल है। बल्कि और भी आगे बढ़कर मैं हर्ज करूं कि अल्लाह के घर, पाकों पवित्र घर, मस्जिदों के अंदर जाकर हम हिंदुस्तान की सच्ची तारीख को बयान करेंगे। अल्लाह का बेमिसाल और लाजवाल, अल्लाह का कलाम जिसको कुरान मजीद कहते हैं, उस कुरान पाक को पढ़ कर हम और हिंदुस्तान की सच्ची तारीख बयान करेंगे। दोस्तों, हिंदुस्तान की तारीख किसी के पास 100 साल की होगी, हिंदुस्तान की तारीख किसी के पास 200 साल की होगी, हिंदुस्तान की तारीख किसी के पास 400 साल की होगी, हमारे पास रब काबा की कसम जब से मुल्क बना तब की तारीख हमारे पास मौजूद है। सुभान अल्लाह। ये जमीन जब बनी तब की तारीख हमारे पास मौजूद है। शान से कहो हिंदुस्तानी मुसलमानों, हमारे बड़ों ने जुमले कहे हैं, तावीज बनाकर अपने गले में डाल लो, इस मुल्क के किराएदार नहीं, मेरे रब की कसम इस मुल्क के हकदार हूं, इस मुल्क के किराएदार नहीं, मैं छुपी छुपाई बात करने की आदि नहीं हूं, डंके की चोट में साफ साफ बात करता हूं, किसके पास कितनी तारीफ।